तो मैं हूँ साक्ष सैन कैसे ब्लॉग पाकिस्तान से। तो दोस्तों आज हम लगाएंगे टैंकी में अवामा टैंकी में जो नीचे वाला जो जिसको हम कहते हैं खजान सऊदी अरब में, तो कैसे लगाते हैं उसके कनेक्शन कैसे करते हैं। तो दोस्तों बहुत सिंपल वीडियो है, साथ सारी वीडियो देखें, स्काइप करके मत देखें, ऐसा ना हो गया आपको थोड़ी सी गलती करें और कनेक्शन गलत हो जाए। तो सबसे पहले ये देखें, ये ग्रीन से ऊपर को जा रहा है, ये आप समझ लेंगे ये पाइप है मोटर का जो कि ऊपर टैंकी को जा रहा है। उसके बाद ये एक पाइप जो होता है नीचे खजान में जिसके साथ शफात लगी होती है, यानी कि फ़िल्टर लगा होता है, तो इतना आपने रख लेना, यानी कि आपने पाइप देख लेना, उससे कम से कम आपने एक फुट या डेढ़ फुट आपने देख लेना है, उससे ऊपर आपने ऐसे इसको वामे को लगाना है, इतना ऊपर आपने रखना है, एकदम पानी ख़त्म ना हो और उससे पहले मोटर बंद हो जाए। तो ऐसे आप इसको हम कनेक्शन कर लेंगे बटन में मेन, फिर उसके बाद हम माइनस का कनेक्शन कर लेंगे। दोस्तों ये कनेक्शन इसलिए करते हैं कि मोटर अगर पानी नीचे से ख़त्म हो जाए तो मोटर बंद हो जाए, ताकि मोटर जले ना, बगैर पानी के ना चले। तो ऐसे हमने इसको प्लस माइनस दे लिया जो कि 220 है। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल का बटन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिले। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, अगर आपको थोड़ा सा फ़ायदा है तो आप सब्सक्राइब कर लें। तो उसके बाद हमने ये फेस दे दिया इसको, मोटर की जो एक तार है प्लस वाली या माइनस वाली आप कोई भी लगा लें, बहरहाल हमने लगा ली एक तार जो कि प्लस में, उधर से हम वामे में वामे से एक तार लेंगे। तो दोस्तों आपको वामे में तीन तारें मिलेंगी, एक वाइट, एक ऐसे ब्लू या कोई और कलर होगा, एक रेड होगी। तो आपने देख लेना है जिस तार से नीचे को करने से वामा बंद होता है तो वो आप कर लें, यानी कि मोटर बंद होगी तो वो तार नहीं आपने लगानी, जो कि ऊपर को करने से मोटर बंद होगी तो आपने वो लगानी है। तो इस तरह हम इसके कनेक्शन कर लेंगे। उसके बाद जो होता है जो एक आपको मिलेगा कड़ा सा, तो इस तरह आप थोड़ा सा एक फुट के फासले पर उसको आप बांध दें तार के। तो इस तरह आपको वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिले। ओके, अल्लाह हाफिज़।